जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इंसान सिर से पैर तक कर्ज में डूब जाता है। मेरे पास डेली कई मैसेज आते हैं कि कर्ज बहुत हो गया है, कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब कोई काम धंधा ना चले या कोई नया काम स्टार्ट किया है उसमें कोई तरक्की नहीं हो रही है, किसी शादी विवाह या बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिया है, अब EMI समय से पूरी नहीं हो रही, ऊपर से इतने परिवार के खर्चे आ जाते हैं जिनसे फाइनेंशियल कंडीशन डवाडोल होने लगती है, बार बार इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर दिया, ऐसे काम चलाना पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज हनुमान जी महाराज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सरल और प्रमाणिक उपाय है। जितने भी लोगों को मैंने ये उपाय कराया है सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे नहीं दे सकते। उनके पास हर ताले की चाबी है और जैसा सबको पता है कि हनुमान जी महाराज का श्रद्धा भाव से किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। उपाय को जाने उससे पहले कमेंट में राम नाम जय श्री सीताराम जरूर लिख देना। तो आइए जानते हैं इस सरल उपाय को कैसे करना है। ये उपाय आपको शनिवार की शाम अपने घर पर ही करना है। एक चौकी पर लाल आसन बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर रख लें, साथ में एक पूजा वाला सूखा नारियल, एक तीन कोने वाला हनुमान जी का झंडा, एक मौली या कलावा और 11 साबुत लौंग और एक सफेद कागज पर लाल पेन से कर्ज की रकम लिख लें। अब हनुमान जी की तस्वीर के सामने पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। हनुमान जी को देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। फिर हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, पिता और स्थान का नाम और अपनी समस्या को बोलकर जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मुझे इस समस्या से निजात दिलाएं। फिर एक लौंग हाथ में लेकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब इस लौंग को रखकर दूसरी लौंग ले लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे ही 11 लौंग हाथ में लेकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11 पाठ पूरे होने पर हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, आरती करें। अब नारियल पर लिखे हुए कागज को रखकर उस पर तिकोना झंडा लपेटकर मौली से 7 बार लपेटकर गांठ लगा दें। 11 लौंग जो हाथ में लेकर पाठ किया था उसकी मौली में माला बना लें। गुड़ का जो भोग लगाया था उस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट दें। फिर नारियल और लौंग की माला लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, माला हनुमान जी को पहना दें और नारियल चरणों में अर्पित कर अपनी समस्या से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, एक ही शनिवार में आपको समाधान मिलेगा, मगर कई बार प्रारब्ध के कारण रिजल्ट नहीं आता तो आप लगातार 4 शनिवार ये उपाय कर लें, समस्या का समाधान हो जाएगा। हनुमान जी आप पर कृपा जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।